अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ इंजीनियर अहमद मक्की। होपफुली यू आर ऑल गुड। इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बेसिकली है रीस्टोर स्टेटमेंट के बारे में। अब रीस्टोर स्टेटमेंट क्या होती है? कल बेसिकली हमने दो टॉपिक्स देखे थे। एक हमने रीड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने कल ये दो चीज़ें देखी थी, और रीड डेटा स्टेटमेंट के बारे में। ये दो स्टेटमेंट्स के बारे में हमने कल देखा था। आज जो है हम क्या देखेंगे, रीस्टोर स्टेटमेंट को देखेंगे कि रीस्टोर स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है। सबसे पहले जो मैं आपको एक एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको कोड के जरिए समझा रहा होता हूँ कि असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने कल की, उसके बाद रीड डेटा स्टेटमेंट की, देन अब हम रीस्टोर स्टेटमेंट करते हैं और इसका फायदा क्या होता है वो देखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कोड लिख देता हूँ रीड का। अब मैं एक कोड लिख रहा हूँ रीड, और ये सी। रीड का मतलब पता है ना आपको, रीड ए बी सी का क्या मतलब है, ए डाटा को रीड करेगा। डाटा का काम क्या होता था, ये जो रीड स्टेटमेंट है हमारे पास, डाटा उठा के उस कोड को, जो भी आपके पास डाटा होता है उसको उठा के क्या करता था, रीड को ला के देता था, और रीड क्या करता था, उनको वैल्यू को असाइन कर देता था। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 मेरे पास रीड में डाटा था, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 10, 20, 30 डाटा है, वो क्या होगा, वो ए बी सी को साइन कर देगा, ऐसे ही है ना। अब देन मैं क्या करता हूँ, मैं एक रीस्टोर स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ये चीज मिस कर दी है, कौन क्या चीज मिस कर दी है, लाइन नंबर नहीं लिखा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन नंबर खुद ही जनरेट होते जाएं, तो मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ मैं, ऑटो, बिल्कुल सही है, यहाँ मैं ऑटो स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। ओके, हो गया। अब मैं उसके बाद ऑटो स्टेटमेंट यूज करने के बाद मैंने रीड लिखा, रीड ए बी सी, यानी कि हमारे पास ये तीन आ गई ए बी सी। देन हम क्या करते हैं, इसको रीस्टोर कर देते हैं, जो सेंसिटिव करके थोड़ा सा चकना। अब मैं इसको रिमूव करके यहाँ लिखता हूँ रीस्टोर, सुनना। और अब ये रीस्टोर का क्या मतलब होगा कि आगे जो मेरे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे ना, आगे जो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे उसको मैं रीड करवाऊंगा आगे, जो मैं फॉर एग्जांपल रीड लाइक, चलो मैं वेरिएबल लिख के कोड के बाद आपको बताता हूँ, 30 के बाद दोबारा मैं रीड करवाता हूँ, कौन लेगा मिड एक्स और रीड ब्रेन इसको लेगा। अब मैं तीन फाइल्स और रीड करनी है, इसका क्या मतलब है कि इसको भी मैं कुछ डाटा दूंगा, इसको भी मैं कुछ डाटा दूंगा ना, एक्स वाई जी, दो रीड, अगर मैं दोबारा डाटा लिखता हूँ 40, 50, 60, तो वो डाटा किसके पास जाएगा, एक्स वाई जी के पास जाएगा, दूसरे रीड के पास जाएगा, ऐसे ही है। अब ये रीस्टोर स्टेटमेंट का क्या फायदा होता है, रीस्टोर स्टेटमेंट का क्या मतलब मकसद होता है कि अगर हमारे पास ए बी सी की कोई वैल्यू है, उसका क्या काम होगा कि वो एक्स वाई जी की वैल्यू उसी को साइन कर देगा, एक्स वाई जी जो हमारे पास आया है ना, ये एक्स वाई और जी, अब ये क्या करेगा, एक्स वाई जी को इसकी वैल्यू साइन कर देगा, मतलब इसकी क्या वैल्यू थी, 10, 20, 30 थी, तो इसकी भी क्या वैल्यू हो जाएगी, 10, 20, 30 सेकंड वैल्यू वेस्ट हो जाएगी हमारे पास। रीस्टोर की वैल्यू क्या करेगा, इसकी वैल्यू को दोबारा रीस्टोर कर देगा। देन हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूं कि वाकई में ऐसा होता है, प्रिंट जाने, यहां मैं लिखता हूं प्रिंट, मैं यहां प्रिंट करवाता हूं, किन चीजों को प्रिंट करूं, ये एबीसी को प्रिंट करवा दूंगा, तो कहां से होकर जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि रीस्टोर स्टेटमेंट का क्या काम होता है, प्रिंट एबीसी कर दिया मैंने। अब जब प्रिंट एबीसी कर दिया है मैंने, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रीस्टोर के लिए भी प्रिंट कर दूँ, ताकि वो प्रिंट उसके लिए भी हो जाए। अब मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ खाली मैं प्रिंट लिखूंगा क्योंकि रीस्टोर के लिए भी एक कमेंट होना चाहिए। उसके बाद देन मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट एक्स वाई और जी। अब ये तीनों को मैंने वैल्यू साइन कर दी है, ठीक है, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको अभी रन करूं, अगर मैं अभी रन करता हूं तो क्या होगा, इसका क्या आंसर आएगा, कुछ पता है आपको, अगर प्रिंट एबीसी करता हूं तो क्या आंसर आएगा, एबीसी की वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन एबीसी की वैल्यूज तो हमने दी नहीं है, तो वो किस स्टेटमेंट के जरिए हम इसकी वैल्यू देंगे, डाटा स्टेटमेंट के, बिल्कुल सही कहा आपने, डाटा स्टेटमेंट के जरिए। अब यानी कि हम क्या करेंगे, 70 लाइन लिखेंगे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं डाटा, क्योंकि मैं डाटा दूंगा ना, अब डाटा मैं लिखता हूँ 10, 20, 30। अब ये जो मैंने डाटा लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, मैंने कौन से स्टेटमेंट के लिए लिखा है,
ये मैंने किसके लिए लिखा है? नहीं नहीं, पहला डाटा है ये, तो पहले रीड के लिए जाएगा, ए बी सी के लिए जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं दोबारा, अगर मैं एक और ये लाइन लिखता हूँ, यहाँ 79 हो गई है, यहाँ मैं 80 लाइन पे लिखता हूँ डाटा, मैं अब लिखता हूँ 10, 20, 30 की जगह मैं लिखता हूँ 40, 50 और 60। अब ये जो डाटा है हमारे पास, ये 40, 50, 60, ये जो लाइन है 40, 50, 60 की, अब ये किसका डाटा है? ये लाइन नंबर 30 का है, क्योंकि ये वाला डाटा था तो पहले रीड का डाटा था, अब ये जो डाटा है हमारे पास सेकंड रीड का है, ऐसे ही है। लेकिन मैं अगर रन करता हूँ, अगर मैं कोड को रन करता हूँ, लेट सपोज मैंने कोड को रन किया, तो आप मुझे बताओ कि आउटपुट क्या आएगी, ए बी सी का आंसर क्या आएगा? अगर मैंने प्रिंट ए बी सी किया तो ए बी सी की वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी? 10, 20, 30। अब प्रिंट एक्स वाई जी करो तो उसकी क्या वैल्यू प्रिंट होगी? अच्छा 40, 50 और 60, जो यानी कि प्रिंट होनी चाहिए वो 40, 50 और 60 है, लेकिन हमने चूंकि एक स्टेटमेंट यूज किया, कौन सी स्टेटमेंट? रीस्टोर स्टेटमेंट यूज किया है। अब चूंकि हमने रीस्टोर स्टेटमेंट यूज किया है, तो रीस्टोर स्टेटमेंट यूज करने के लिए हमें उसका नुकसान, फायदा क्या होगा रीस्टोर स्टेटमेंट का? ये जो हमारे पास इस डेटा की वैल्यूज है ना, वही हमारे पास इस डेटा की भी वैल्यू हो जाएगी। मैंने आपको जब रीस्टोर का करवाया था, मैंने आपको क्या कहा था, रीस्टोर की जब आप वैल्यू करोगे तो आपके पास जो पहले रीड की वैल्यूज होंगी वही सेकंड रीड की वैल्यूज हो जाएंगी। पहले रीड की क्या वैल्यू थी? 10, 20, 30। सेकंड रीड की क्या थी? 40, 50, 60। लेकिन रीस्टोर की वजह से एक्स वाई जेड की भी क्या वैल्यूज होगी? 10, 20, 30। अब इसको मैंने रन किया, रन करने के बाद आपके पास आउटपुट क्या आएगी? 10, 20 और 30। ये आ गई पहले प्रिंट की, अब सेकंड प्रिंट की क्या आएगी? नहीं नहीं, ये रीस्टोर लगा था यार, अगर रीस्टोर ना होता फिर 40, 50, 60 आती। अब इसकी जो दूसरा प्रिंट एक्स वाई जेड, इसका भी यही आंसर आएगा 10, 20 और 30। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास सेम आउटपुट आई है, किस स्टेटमेंट की वजह से आई है? रीस्टोर स्टेटमेंट। और यही हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था कि रीस्टोर स्टेटमेंट को यूज करके हमने बताना है कि रीस्टोर स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है। दी एंड, इफ यू वॉन्ट मी टू आस्क समथिंग अबाउट दिस ट्यूटोरियल और लेक्चर, you can ask me in the comment section, and hey, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Allah Hafiz.